हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टैक्स सही है मैं। तो फ्रेंड्स, फिर से आ गया हूं आपके सामने एक नई वीडियो लेके। तो बता देता हूं आपको कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है। आज का जो हम वीडियो बनाएंगे वो है फेसबुक से रिलेटेड। जी हां फ्रेंड्स, आज के जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा फेसबुक की 10 प्राइवेसी सेटिंग्स जो आपको अभी तक पता नहीं होगी। इन प्राइवेसी सेटिंग्स को यूज करके आप अपने फेसबुक को और बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं, ज्यादा प्राइवेटली आप अपने फेसबुक को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और जानेंगे कैसे इन प्राइवेसी सेटिंग्स को हम यूज कर सकते हैं और अपने फेसबुक को और अच्छी तरह से यूज करना सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए बिना चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड, हम आ गए अपने मोबाइल पर। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने ओपन कर लेना है अपना फेसबुक का एप्लीकेशन। फेसबुक का एप्लीकेशन जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर 3 डॉट आपको दिख रहे होंगे, वहां पे आपने क्लिक कर लेना है और डाउन स्क्रॉल करके आपने चले जाना है सेटिंग एंड प्राइवेसी की तरफ। सेटिंग एंड प्राइवेसी में जैसे आप जाएंगे तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा सेटिंग्स का, तो सेटिंग्स पर आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ से भी डाउन स्क्रॉल करके आपको जो सेकेंड ऑप्शन मिलता है, थर्ड ऑप्शन मिलता है सॉरी, प्राइवेसी का, तो वहां पर आपने चले जाना है और यहाँ पर पहला ऑप्शन है प्राइवेसी सेटिंग्स का, तो प्राइवेसी सेटिंग्स पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे प्राइवेसी सेटिंग्स। तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि क्या है ये सेटिंग और कैसे इनको यूज करना है। तो पहली जो सेटिंग है वो है हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट। तो इसमें क्या है, जो भी आप पोस्ट करेंगे वो पोस्ट को आप कैसे इन सेटिंगों को इस पोस्ट में यूज कर सकते हैं। तो ट्राई इट नाउ पे हम क्लिक कर लेते हैं, तो जहाँ पे फ्रेंड लिखा है वहां पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये कुछ ऑप्शन है जिनको आप यूज कर सकते हैं अपने नेक्स्ट पोस्ट जब भी आप क्रिएट करेंगे। तो पहला ऑप्शन है पब्लिक का, तो इसमें अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब है जो भी आप पोस्ट करेंगे वो पब्लिक रहेगी, वो कोई भी आपकी उस पोस्ट को देख सकता है। सेकंड ऑप्शन है फ्रेंड्स का, तो फ्रेंड्स पर आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो भी आपके फेसबुक के फ्रेंड लिस्ट में एड है सिर्फ उन्हीं लोगों को आपका वो पोस्ट शो होगा। थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड एक्सेप्ट, इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पर जितने भी फ्रेंड को सेलेक्ट कर लेंगे वो आपके ब्लॉक हो जाएंगे और उन लोगों को वो पोस्ट शो नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन जो है वो है ओनली मी का, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ओनली मी पर सेलेक्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा, जो भी आपने पोस्ट किया है वो सिर्फ आपको शो होगा, बाकी कोई भी उस पोस्ट को नहीं देख पाएगा। तो ये थी हमारी पहली सेटिंग। अब आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट सेटिंग पे, उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट सेटिंग है लिमिट हु कैन सी पास्ट पोस्ट, इसको ओपन करके दिखा देता हूं। इसमें क्या है कि आपने आज से पहले जो भी फेसबुक पर पोस्ट किया है वो आपका हाइड हो जाएगा, वो पोस्ट किसी और को नहीं दिखेंगी। तो यहां पर आप लिमिट करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी दूसरी सेटिंग। अब बात करते हैं तीसरी सेटिंग की। तीसरी सेटिंग है हु कैन सी द फॉलो पेजेस एंड लिस्ट यू फॉलो, तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें क्या है कि इसमें किन लोगों को आप फॉलो करते हैं फेसबुक पर या आपने किन पेजेस को फेसबुक पर फॉलो किया हुआ है वो किस किस को आप दिखाना चाहते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन पब्लिक का आता है, अगर पब्लिक पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें कोई भी आपकी प्रोफाइल पर जाकर ये देख सकता है कि आपने किन लोगों को फॉलो किया हुआ है, आपने किन पेजेस को फॉलो किया हुआ है। सेकेंड ऑप्शन आता है फ्रेंड्स का, इसमें जो भी आपके फेसबुक के फ्रेंड लिस्ट में एड है सिर्फ उन लोगों को ये चीज दिखेगा। थर्ड ऑप्शन वही है फ्रेंड एक्सेप्ट, यहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे वो यहां पर ब्लॉक हो जाएगा, उसको नहीं दिखेगा बाकी सारे लोगों को दिखेगा। सी मोर पर आप क्लिक करेंगे तो इसके आगे आपको ऑप्शन मिलता है स्पेसिफिक फ्रेंड, आप किसी स्पेसिफिक फ्रेंड को दिखाना चाहते हैं अपना पोस्ट, तो यहां पर आप जिसको भी सेलेक्ट करेंगे सिर्फ उसी को वो वो आपका पेजेस जो आपने फॉलो किए हुए हैं या आपने किन लोगों को फॉलो किया है वो दिखेगा। नेक्स्ट ऑप्शन ओनली मी का आता है, ओनली मी में सिर्फ आपको वो चीज दिखेगी, आप देख सकते हैं बाकी कोई उसको नहीं देख सकता है। अब बात कर लेते हैं हमारी चौथी सेटिंग के बारे में, हु कैन सी योर स्टोरीज। फेसबुक पर आप स्टोरीज पोस्ट करते हैं आपको पता होगा, तो वो स्टोरी किन लोगों को शो होगी, तो सेम इसमें भी ऑप्शन है पब्लिक पर आप क्लिक करेंगे तो कोई भी आपकी फेसबुक की स्टोरी को देख सकता है। सेकंड ऑप्शन आता है फ्रेंड एंड कनेक्शन, फ्रेंड एंड कनेक्शन पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें जो आपके फेसबुक के
फ्रेंड हैं जो आपकी फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट में है उनको आप ये आपका स्टोरी दिखेगी, बाकी कनेक्शन में आपका मैसेंजर में जितने लोगों से आप ऐड हैं मैसेंजर में आपके जो कनेक्शन है उनको भी आपकी स्टोरी शो होगी। थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड का, फ्रेंड में ओनली योर फेसबुक फ्रेंड जो है उनको ही आपका ये स्टोरी दिखेगी। कस्टम में आप क्लिक करेंगे तो कस्टम में आप चूज कर सकते हैं लोगों को, जिसको आप सेलेक्ट करेंगे सिर्फ उसी को आपका स्टोरी शो होगा। और फोर्थ ऑप्शन है हाइड स्टोरी फ्रॉम, इसमें क्या है आप जिनको सेलेक्ट करेंगे उनको आपकी स्टोरी शो नहीं होगी, तो यहां पर आप प्राइवेसी लगा सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग की बात करते हैं, नेक्स्ट सेटिंग है हु कैन सी यूर हाईलाइट्स, ये भी स्टोरी से ही रिलेटेड है। इसमें क्या है जो हाईलाइट आपकी है वो किस किस को विजुअल होगी, सेम इसमें भी ऑप्शन है, पब्लिक आप करेंगे तो सबको दिखेगा, फ्रेंड आप करेंगे तो ओनली आपके फेसबुक फ्रेंड्स को दिखेगा, कस्टम में आप चूज कर सकते हैं किसको आपको शो कराना है, और हाइड में आप चूज कर सकते हैं किसको आपको नहीं दिखाना है। नेक्स्ट जो सेटिंग आती है हमारी, नेक्स्ट सेटिंग आती है हु कैन सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट, कौन आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है। फेसबुक में कई बार क्या होता है अगर आप इसको एवरीवन पे सेट करेंगे तो कोई भी आपको फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि कोई भी आदमी रैंडम आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है जिससे आपको परेशानी होती है, आपको पता नहीं है कि कौन आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है। सेकेंड ऑप्शन फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स है, इसमें क्या है जो आपके फेसबुक में फ्रेंड हैं उनके जो फ्रेंड हैं वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और बाकी कोई आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता है, तो ये भी सेटिंग बहुत यूजफुल है। नेक्स्ट सेटिंग है हु कैन सी यूर फ्रेंड लिस्ट, आपकी फ्रेंड लिस्ट को कौन चेक कर सकता है, सेम इसमें ऑप्शन है, पब्लिक पर आप क्लिक करेंगे तो कोई भी आपकी फेसबुक की प्रोफाइल पर जाकर आपकी फ्रेंड लिस्ट चेक कर सकता है, देख सकता है आपके फ्रेंड कौन है कितने हैं। फ्रेंड्स पर आप सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ आपके फेसबुक में जो ऐड है फ्रेंड जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में है वही चेक कर सकते हैं, वही देख सकते हैं आपकी फ्रेंड लिस्ट को। फ्रेंड एक्सेप्ट में आप ब्लॉक कर सकते हैं पर्टिकुलर लोगों को, और ओनली मी में सिर्फ आप चेक कर सकते हैं, तो यहां पर मैं सजेशन दूंगा कि आप ओनली मी पर ही रखिए, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि कोई भी आदमी कोई भी लोग आकर आपकी फ्रेंड लिस्ट को चेक करें। नेक्स्ट जो सेटिंग है, नेक्स्ट सेटिंग है हु कैन लुक अप यूजिंग द ईमेल एड्रेस यू प्रोवाइडेड, तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ है अपने फेसबुक में उसके थ्रू आपकी प्रोफाइल तक कौन पहुंच सकता है। एवरीवन पर क्लिक करेंगे तो कोई भी आपकी ईमेल आईडी को टाइप करके आपकी फेसबुक प्रोफाइल को चेक कर सकता है। फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स में सिर्फ जो आपके फेसबुक फ्रेंड हैं उनके जो फेसबुक फ्रेंड है वो चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स पर सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ आपके फेसबुक के जो फ्रेंड हैं वो यहां पर कर सकते हैं, और ओनली मी पर आप करेंगे तो सिर्फ आप कर सकते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी सेटिंग है। नेक्स्ट जो सेटिंग है वो है हु कैन लुक अप यूजिंग द फोन नंबर यू प्रोवाइडेड, सेम ऊपर वाली सेटिंग की तरह ही है कि आपने जो फेसबुक पर फोन नंबर दिया है उसके थ्रू आपकी प्रोफाइल को कौन चेक कर सकता है, आपकी प्रोफाइल तक कौन पहुंच सकता है, तो सेम सेटिंग है। एवरीवन पर करेंगे तो कोई भी कर सकता है, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स में करेंगे तो जो आपके फेसबुक फ्रेंड हैं उनके जो फ्रेंड हैं वो आपके फोन नंबर के थ्रू आपकी प्रोफाइल तक पहुंच सकते हैं। फ्रेंड्स पर आप सेलेक्ट करेंगे तो ओनली यूर फेसबुक फ्रेंड, और ओनली मी पर करेंगे तो सिर्फ आप। और लास्ट जो हमारी सेटिंग है वो है डू यू वॉन्ट सर्च इंजन आउटसाइड ऑफ फेसबुक टू लिंक यूर प्रोफाइल, इसका मतलब क्या है कि फेसबुक के आउटसाइड जितने भी सर्च इंजन है जैसे गूगल है, तो गूगल पर कोई आपका नाम टाइप करता है तो उसके सर्च रिजल्ट पर आपका फेसबुक प्रोफाइल जो है वो आ जाएगा, तो उसके लिए ये सेटिंग है। अगर आप इसको ऑन कर लेंगे तो कोई भी सर्च इंजन है जैसे गूगल है याहू है वहां पर कोई आपका नाम टाइप करता है तो आपका वहां पर वो सर्च इंजन प्रोफाइल दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, तो इसके लिए ये सेटिंग है। तो फ्रेंड ये थी हमारी 10 प्राइवेसी सेटिंग जिनका यूज करके आप अपने फेसबुक को और अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं और प्राइवेटली यूज कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब किए हुए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, इस तरह की वीडियो लेकर आता रहूंगा आपके पास। थैंक यू।